मित्रों, आज मैं ज्योतिष की एक कुंडली के साथ में दूसरे सब्जेक्ट को मतलब आध्यात्मिक ज्ञान को कुंडली के साथ मिला के आपको ये समझाता हूँ कि कुंडली द्वारा मोक्ष क्या मिल सकता है, वो मैं समझाता हूँ। तो कुंडली अपने को मोक्ष कैसे दिलाती है वो मैं समझाता हूँ। कुंडली का 12 स्थान है, 12 स्थान में पहला आत्मा का, दूसरा कुटुंब धन का, तीसरा भाई बहन का, चौथा माता का, पांचवा बुद्धि और विद्या का, छठा मामा दुश्मन है। ये आध्यात्मिक रिलेटेड है, वो इतना ही मैं बता रहा हूँ। वैसे तो बहुत से भाव में है। सातवा पति पत्नी का है, आठवां गुप्त ज्ञान का है, नौवां आध्यात्मिक है, 10वां कर्म है, हमने जो काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, और 11वां लाभ है, 12वां मोक्ष है। अभी ये सब स्थानों में कौन सा स्थान आध्यात्मिक लिए अगत्य का है, किस काम का है, और क्या आध्यात्मिकता में क्या डिस्टर्ब होता है वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो जब अपना जन्म होता है तो आत्मा पहले स्वतंत्र होता है। आत्मा जैसा सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं है। कैसे? कि कुंडली में जो पहला स्थान है सर्वश्रेष्ठ है। लग्न बोलो, लग्नेश बोलो, लग्न में पड़ा हुआ ग्रह भी अच्छा हो जाता है। तो वैसे ये लग्न सर्वश्रेष्ठ है। वैसे लग्न में आत्मा है, लग्न मतलब आत्मा है, पहले स्थान का मालिक आत्मा है। अपना आत्मा किधर रहता है कुंडली में? पहले स्थान में रहता है। और मन किधर रहता है? चौथे स्थान में। तो पहला स्थान और चौथे स्थान दोनों का समन्वय होता है तो क्या होता है? आत्मा डिप्रेस होता है, आत्मा ऊपर आवरण आ जाता है। आत्मा स्वतंत्र है, आत्मा में कुछ नहीं है, बिल्कुल प्लेन है, मगर उसके बाद में मन का आवरण आ जाने से थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। और साथ में बुद्धि और विद्या आदमी की ये आत्मा पर आवरण बन जाता है। और ये आवरण में क्या होता है कि आवरण उसको दबा देता है आत्मा को। साथ में क्या होता है बाद में? कुटुंब धन मतलब आत्मा जब मनुष्य का अवतार लेता है तो उसको कुटुंब मिल जाता है, भाई बहन सब कुछ मिल जाते हैं, बराबर माता मिल जाती है, संतान मिलते हैं, काका संबंधियों मिल जाती है, पति पत्नी मिलते हैं। तो होता क्या है कि उन सबको लिए ये आदमी कर्म करने लग जाता है। पूरा जीवन वो कर्म में लगा देता है। कर्म में लगाना चाहिए, कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है और कर्म से ही अपने को फल मिलता है। गीता में भी कर्म का महत्व लिखा है, मगर ये कर्म ऐसे करना चाहिए कि अपना आत्मा के लिए फायदेमंद हो। मगर हम भूल जाते हैं, आत्मा छोड़कर मन का कहना कर सकते हैं और बुद्धि का कहने कर सकते हैं, अपनी विद्या का घमंड से कुछ कर सकते हैं, ज्ञान के घमंड से कुछ कर सकते हैं। तो होता क्या है कि आत्मा को जो करना है वो हम नहीं कर सकते है। मतलब जो करने के लिए भगवान ने इधर अपने को भेजा है, कुदरत ने अपने को भेजा है, परमात्मा ने अपने को यहाँ भेजा है, वो कर्म करने के लिए हम भूल जाते हैं। हम वचन दे के आए हैं भगवान को कि भगवान हमारा कल्याण करना, हमारा दुख दूर करो और हमको आगे बढ़ाओ, हमारा उन्नति करो, मगर यहाँ पृथ्वी पर आके हम भूल जाते हैं। मनुष्य जन्म लेके कुटुंब भाई बहन माता संतान मामा दुश्मन इस सब के लिए हम काम करने के लिए लग जाते हैं। तो फिर उनके लिए ही कर्म करते हैं, उनके लाभ के लिए ही कर्म करते हैं। तो अपना जो मेन है आत्मा का कल्याण मोक्ष वो सब भूल जाते हैं। पुनर्जन्म में क्या करना है वो भी भूल जाते हैं। पुनर्जन्म में हम क्या करेंगे उसके लिए अभी यहाँ ये जन्म में हम क्या करें, क्या फायदेमंद काम करें, हमारे मरने के बाद कौन अच्छी बात है हमारे साथ में आएगी, वो सब हम भूल जाते हैं। तो मित्रों, आत्मा के काम में जो मन बुद्धि विद्या ये दुश्मन पति पत्नी ये सब जो आवरण है
आवरण मतलब क्या है, लोखंड को जब ऊपर जिंक चढ़ जाता है तो ये इसको आवरण बोलते हैं। तो ये आवरण अपना लोखंड का अस्तित्व भुला देते हैं, वैसे ही आत्मा का आवरण मन बुद्धि ये सब जो रिलेटेड सब्जेक्ट है, ये स्थान जो बताया है मैंने, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, छठा स्थान, सातवां स्थान, ये सब स्थान है जो ये नंबर एक आत्मा का आवरण है। तो ये आवरण से आत्मा खुद अपना जो काम करना है वो नहीं कर सकते। तो करना क्या चाहिए, अपने एक चार पांच नौ और बारह स्थान को याद रख के, मतलब एक में आत्मा का, चार मन है, पांच बुद्धि विद्या, नौ आध्यात्मिकता और बारह मोक्ष, ये याद रख के अपने लिए, अपने आत्मा के लिए, अपने आत्मा का कल्याण के लिए कर्म करना चाहिए। ठीक है, अपना धर्म तो है, मैरिज किया है तो पति पत्नी को संभालना है, भाई बहन को भी संभालना है, कुटुंब को संभालना है, संतान को भी संभालना है, सबके साथ रिलेशन तो रखना है, मगर वो सेकंड बात होती है, फर्स्ट बात तो अपना आत्मा का कल्याण करने का है। और ये सब हम भूल के आत्मा के कल्याण की बात बाजू में रख के हम ये दूसरे लोगों के लिए लाभ के लिए हम सब कर्म करते हैं। तो मित्रों, ये कुंडली कैसे अपने को मोक्ष दिलाती है वो मैं बताता हूँ। तो कुंडली के लिए पहला स्थान आत्मा का मोक्ष करने का है। मोक्ष कैसे मिलेगा, तो मन को कंट्रोल करो बुद्धि के द्वारा, मतलब आत्मा का कंट्रोल के लिए मन को कंट्रोल करके बुद्धि द्वारा और गुप्त ज्ञान द्वारा अपने सब रिलेशन को भूलकर अच्छा कर्म करने का है, भक्ति करने का है, आध्यात्मिक ज्ञान में जाने का है, आध्यात्मिक ज्ञान लेने का है, ये सब लेके आत्मा के लाभ के लिए काम करेंगे तो अपने को मोक्ष मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। ये सब हम ज्योतिष से जानते हैं, ये सब पूरी कुंडली का स्थान में क्या लिखा है, क्या काम आता है, अपने लिए क्या काम आता है, दूसरे के लिए क्या काम आता है, सब इसमें लिखा हुआ है। तो उसमें हम अभ्यास करें, सब मित्रों को जो स्टडी के लिए ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसके अंदर ज्यादा गुण रहस्य जानो और आत्मा के लिए कार्य करके अपना आत्मा को कल्याण करके मोक्ष की तरफ ले जाओ, ऐसी सबको मेरी विनंती है। अगर यहाँ कुछ मैंने गलती हो गई हो तो माफ करना। अगर ये आपको वीडियो पसंद पड़े तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और उनके लिए अपना आत्मा के लिए कार्य करके आप सुखी बनो, वैसे मेरा आशीर्वाद है। धन्यवाद, थैंक यू।